फायरबोल्ट लिटरली एक ऐसा इंडियन स्मार्ट वॉच ब्रांड जिसने मार्केट में वाकई में फायर लगा के रखी है, क्योंकि एक के बाद एक एकदम अल्टीमेट वॉचेस लॉन्च हो रही है और काफी सारी लॉन्च हो रही है। अगर आप मेरे चैनल को थ्रू आउट फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी सारी बजट वॉचेस लॉन्च कर रहे हैं, वो भी काफी अलग अलग डिजाइंस और काफी अलग अलग फीचर्स के साथ। आज जिस वॉच के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो इनके लक्स एडिशन की वॉच है, फायरबोल्ट ब्लिजर्ड अल्ट्रा, जो दिखने से कुछ इस तरह की है। यहाँ पर डेफिनेटली आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्ट वॉच के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे वॉच की अनबॉक्सिंग के साथ। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आती है वॉच। सबसे ऊपर ही आपको ना काफी सारे फीचर्स मतलब यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, आई मीन वॉच बनी हुई है और उसका डिस्प्ले साइज वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप बैक साइड में भी देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और क्या क्या मतलब फंक्शनलिटीज वॉच में दे रखी है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही में QR कोड दे रखा है, इसको स्कैन करके आप अपने फोन में इस स्मार्ट वॉच की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यही सब कुछ है, बट इन सबसे साइड में हटके वॉच के बॉक्स के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले ही वॉच रखी हुई है। इसको अभी उठा के साइड में रख देते हैं। आपको अंदर ना सबसे पहले तो एक चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि 2-pin मैग्नेटिक चार्जर है यहाँ पर। इसके अलावा आपको एक टूल किट देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप इस वॉच के साइज को ना इस टूल किट की हेल्प से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, यूजर मैनुअल दे रखा है और कुछ कार्ड्स है सब्सक्रिप्शन वगैरह के, आई मीन बुक माय शो का, गाना वगैरह का, इन सबको यहाँ पर रख देते हैं साइड में। और एक्चुअली में वॉच कुछ इस तरह की है। ये मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर गोल्ड कलर है जिसमें जेमस्टोन्स जो है ना वो भी गोल्ड के लगे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा एक और कलर में अवेलेबल है जो है मल्टी गोल्ड। चेन आपको गोल्ड का ही मिलेगा लेकिन जो जेमस्टोन्स है वो मल्टी कलर के यहाँ पर दे रखे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वाली वॉच को देख के ना मुझे फील आ रही है जो रोलेक्स की डेटोना रेम्बो वॉच है उसकी जैसी ये वॉच मुझे यहाँ पर फील दे रही है। तो ये भी एक चीज हो गई। एंड इन गोल्ड कलर के अलावा एक सिल्वर कलर में भी वैसे अवेलेबल है, बट हाँ ओवरऑल मतलब लुक्स के हिसाब से तो काफी ज्यादा सही लग रहा है। यहाँ पर आपको 3 पुश बटन्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली बीच में क्राउन की यहाँ पर दे रखा है, एक बैक बटन है और एक होम बटन यहाँ पर दे रखा है। क्राउन की से आप इसके वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो, फीचर्स वगैरह को स्क्रॉल कर सकते हो, तो वो सारी यहाँ पर चीजें दे रखी है। और आपको इनबिल्ट माइक स्पीकर वगैरह भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना, देखो पहली बात तो ये जो डायल है वो काफी ज्यादा एलिवेटेड टाइप का फील हो रहा है, और दूसरा डिस्प्ले मतलब डायल को देख के लग रहा है कि काफी बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में जो डिस्प्ले एरिया है वो 1.28 इंचेस का ही है। HD डिस्प्ले है ये, इंडोर आउटडोर में मुझे ब्राइटनेस वगैरह के हिसाब से काफी सही लगा है। इसका पिक्सल रिजोल्यूशन भी अच्छा है इनफैक्ट, और ओवरऑल वॉच को चला के ना फील आ रहा है कि काफी ज्यादा स्नैपी है, मतलब ऐसे एनिमेशंस वगैरह बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं। तो यूज करके मतलब ऐसा कभी नहीं लग रहा है कि कहीं पर मतलब कुछ कॉस्ट कटिंग वगैरह टाइप की करी गई है, नहीं बहुत ही स्मूथ चल रही है वॉच, तो वो चीज़ भी अच्छी है। एंड माइंड यू IP67 की रेटिंग के साथ आती है, एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा होगा कि आगे चल के वॉच कोरोड हो जाएगी क्योंकि मेटल की वॉचेस जनरली कलर निकाल देती है, तो ऐसा इस वॉच के साथ तो एटलीस्ट नहीं होने वाला है। ओवरऑल जो इसका लुक है, जो इसकी फील है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही रॉयल और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। बाकी देखो कुछ भी बोल लो, है तो ये एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच ही। तो जो भी किसी एक स्पोर्टी स्मार्ट वॉच में फीचर्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली फायरबोल्ट की वॉचेस में जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सारे फीचर्स ना आपको इस वॉच के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और बेसिकली मैंने आपको अनबॉक्सिंग के टाइम ही बताया था कि बॉक्स के ऊपर QR कोड मिलता है, अगर वो वहां पर नहीं तो फिर आपको वॉच के अंदर भी सेटिंग्स में जाके QR मिल जाएगा, उसको स्कैन करके आप इनकी ऐप को जरूर से इंस्टॉल कर देना, जिसका नाम ऐसे डाव फिट करके है। वैसे यूजुअली जो फायरबोल्ट की वॉचेस होती है वो इसी ऐप के साथ सिंक होती है, और ऐप का इंटरफेस एक्चुअली में काफी ज्यादा इजी टू यूज है। आप वॉच में जो भी वॉच फेसेस आपको चेंज करने या फिर जो भी सेटिंग्स आपको रखनी है, नोटिफिकेशन किस तरह के सेट करना चाहते हो, अपने फेवरेट कॉन्टेक्ट्स को ऐड करना चाहते हो, या फिर जो भी आप बेसिकली आप एक्सरसाइज करोगे, डेली की एक्टिविटीज हो गई, स्लीप ट्रैक करना है, वो मंथ तक का वीक तक का डाटा आप सारा यहां से ट्रैक कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको बता ही रही थी ना कि ये एक प्रॉपर फिटनेस वॉच भी है, तो आपको सारे फिटनेस फीचर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आई मीन 120 प्लस तो यार स्पोर्ट्स मोड ही है यहाँ पर दे रखे, जिसको आप एक्सरसाइज में जाके बेसिकली एक्सेस कर सकते हो, और उसके अलावा ना आपका जो भी डेली की एक्टिविटीज होती है वो ये वॉच ट्रैक करता रहेगा, कितना स्टेप्स चल रहे हो, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, वो सब तो है ही। और प्रॉपर आपको फायरबोल्ट हेल्थ सूट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप हार्ट रेट ट्रैक कर सकते हो, स्लीप मॉनिटर कर सकते हो, अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो, SpO2 आप यहाँ पर देख सकते हो, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिटनेस वॉच है तो सिर्फ फिटनेस फीचर्स ही है, मतलब जो वॉचेस में यूजुअली जो एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं जैसे कि वेदर क्या चल रहा है या फिर कैमरा एक्सेस करना है, म्यूजिक
कंट्रोल करना है, आपको यहाँ पर टाइम पास के लिए थोड़े बहुत गेम वगैरह खेलना है, तो वो गेम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। AI वॉइस असिस्टेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो गूगल वॉइस असिस्टेंट हो गया या फिर सीरी हो गया, उन सबको आप इसी वॉच से ट्रिगर कर सकते हो। और इन जनरल आप देखोगे ना तो वॉच में ऐसे अलग अलग तरह का मेन्यू स्टाइल भी दे रखा है, तो वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, ये सारा तो है ही है जो किसी वॉच में होना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात रही ब्लूटूथ कॉलिंग की, तो वो भी है यहाँ पर और प्रॉपर काम करता है। मतलब आप इस वॉच से डायरेक्टली किसी को कॉल लगा सकते हो, फेवरेट कॉन्टैक्ट सेट कर लोगे तो उनमें यहीं से कॉल्स लग जाएंगे, आप देख सकते हो कॉल लॉग वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी दे रखी है जो कि काफ़ी अच्छे से काम भी कर रही है। एंड देखो ये वॉच ना 220mAh की बैटरी के साथ आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना हैवी मतलब इसका डायल लग रहा है ना, मुझे लगा था कि आराम से 350mAh की बैटरी तो इसके अंदर होगी ही होगी, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। बट देखो बात ऐसी है ना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब अभी तक तो इसमें मुझे अच्छा खासा बैकअप मिल रहा है। और मैं ये बोलूंगी कि आइडियली 5 days तक का तो मिल ही जाएगा। ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज करोगे तो मैं मानती हूं शायद 2 से 3 दिन तक ही ये चले, डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितने ज्यादा कॉल्स आते हैं। लेकिन बात ऐसी है यार कि अगर आपको एक लग्जरियस फील करवाने वाली एक रॉयल टाइप की एलिगेंट वॉच चाहिए, देन 3499 की प्राइस में आई डोंट थिंक सो इससे बेटर आपको कुछ मिल पाएगा। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ना, ये लॉन्च प्राइस है। आई डोंट नो कि आगे चल के यही प्राइस रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं तो 3500 के हिसाब से जज कर रही हूँ, और उस हिसाब से तो मेरे अकॉर्डिंग ये वॉच जो है वो अपनी पाई को यहाँ पर जस्टिफाई कर रही है। डेफिनेटली चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।